नमस्कार दोस्तों, सोल जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र क्या है, इसके एक्टिव होने से आपको कैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, आज्ञा चक्र के क्या रहस्य हैं, आप आज्ञा चक्र को एक्टिव करके कैसे अपने बौद्धिक विकास तो करते ही हैं, साथ ही आप बहुत सारी शक्तियों के मालिक भी बन जाते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में नीचे के पांच चक्रास की जानकारी आपको पहले दे चुके हैं, जिसमें हमने आपको रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र के बारे में जानकारी दे दी। यह चक्र सिक्स चक्र है, जो कि जिसे आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है। थर्ड आई चक्र दो पंखुड़ियों वाला पर्पल कलर का चक्र है, जो कि हमारी दोनों बहों आँखों या दोनों बहों के मध्य स्थित होता है। थर्ड आई चक्र भविष्य में होने वाली घटनाओं का पुनर्भास करवाने का प्रतीक है, जो माइंड, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आँख, नाक, कान, पिनियल ग्रंथि से जुड़ा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आज्ञा चक्र मनुष्य के शरीर का छठा मूल चक्र है। आज्ञा का अर्थ होता है आदेश। आज्ञा चक्र मस्तिष्क के मध्य में मोहों के बीच स्थित है, जैसे कि हमने आपको बताया, इस कारण इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह प्रमुख नाड़ियाँ चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी या पिंगला या सुषुम्ना केंद्रीय मध्य नाड़ी के मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की एनर्जी यहाँ मिलती है और आगे ऊपर की ओर उठती है, क्राउन चक्र की ओर जाती है, तब हमें समाधि की सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र दो पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो इस बात को दर्शाता है कि चेतना के इस स्तर पर केवल दो आत्मा और परमात्मा ही हैं। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की एनर्जी यहाँ ज़्यादा एक्टिव है, ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से, बौद्धिक स्तर से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग वाला बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे ही बौद्धिक सिद्धि कहा जाता है। आज्ञा चक्र मनुष्य के शरीर का छठा मूल चक्र है, जैसे कि हमने आपको बताया। आज्ञा चक्र बहों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है। यह है फिजिकल बॉडी का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसे प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। आज्ञा चक्र को अंजना चक्र भी कहा जाता है। अंजना चक्र पिनियल ग्रंथि के अनुरूप है। इसका मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र का रंग पर्पल है। इसका तत्व मन का तत्व है। इसका चिन्ह एक श्वेत शिवलिंग, जो कि सृष्टात्मक चेतना का प्रतीक है। इसमें और बाद के सभी चक्रों में कोई पशु चिन्ह नहीं है। हमने अपनी पिछली वीडियो में नीचे के पांच चक्रों में सबका एक एक पशु चिन्ह बताया था, परंतु आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र का कोई पशु चिन्ह नहीं है। इस स्तर पर केवल शुद्ध मानव और देवीय गुण ही होते हैं। इस चक्र के गुण हैं एकता, शून्य, सत, चित और आनंद। इसे ज्ञान नेत्र भी कहा जाता है। यह ज्ञान नेत्र भीतर की ओर खुलता है और हम आत्मा की वास्तविकता देखते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी सोल को मिल पाते हैं। इसलिए इसे तीसरी नेत्र का भी प्रयोग किया गया है। भगवान शिव का भी तीसरा नेत्र इसी का प्रतीक है। थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र वह छठी इंद्री है, जिसकी मदद से या जिसकी हेल्प से आप जिन चीज़ों को खुली आंखों से नहीं देख सकते,
हाथों से छू नहीं सकते और कान से सुन नहीं सकते, उसे भी फील कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उन अदृश्य सभी शक्तियों या चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो आपके आसपास है, जो हमें जब जो कि आम इंसान को नज़र नहीं आती, वो उनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप जिससे किंतु आप उससे अनजान हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि तीसरे नेत्र का एक्टिव होना एक बेहद कठिन प्रक्रिया है और इसमें वर्षों की मेहनत लगती है। हालांकि तीसरे नेत्र का एक्टिव होना एक बहुत ही इजी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बहुत ही सूक्ष्म अनुभव या एक्सपीरियंस होता है। नॉर्मल लाइफ में हम जितना छोटी बातों को इग्नोर करते रहते हैं, उतना ही हमारा थर्ड आई और सिक्स सेंस ब्लॉक होता जाता है। एक नॉर्मल लाइफ में हम क्या चेंज करें जिससे हमें थर्ड आई ओपनिंग में हेल्प मिल सके, आइए हम आज आपको बताते हैं। आज्ञा चक्र का सीधा संबंध आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, सबकॉन्शियस माइंड एंड इनर विजडम से है। अगर आपका थर्ड आई एक्टिव है तो आप बेहतर संतुलन या बैलेंस की स्थिति को बनाए रख सकते हैं, क्लियर विजन जनरेट कर सकते हैं, फोकस लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपका पिनिनियल ग्रंथ या अंजना चक्र ब्लॉक हो जाता है तो आप कई तरह की परेशानियां या प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं, जैसे कि निम्न सोच, संकीर्ण मानसिकता, ओवरथिंकिंग, कभी कभी हकलाना या घुटन सी महसूस करना लगना। ऐसी समस्या या प्रॉब्लम्स में आप फंस सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी आज्ञा चक्र में सक्रिय है या आप आज्ञा चक्र तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप बौद्धिक स्तर पर आपने वो सिद्धि पा ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में भले ही वास्तविक ना हो, लेकिन वो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है। वह आपसे आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप आनंदित या खुश रहेंगे। इस चक्र का मंत्र ओम है। इस चक्र को एक्टिव करने के लिए आपको ओम मंत्र की चैंटिंग करते हुए ध्यान लगाना होता है। जब मनुष्य के अंदर आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है, तब मनुष्य के अंदर अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से मनुष्य के अंदर सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। जब हम इस चक्र पर ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में एक विशेष चुंबकीय एनर्जी का निर्माण होने लगता है। इस एनर्जी से हमारे अंदर की जो दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता, दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। वैसे तो कुछ मात्रा में सभी का पिनियल ग्रंथ और आज्ञा चक्र एक्टिव रहता है, लेकिन इसकी क्षमता का सही इस्तेमाल करने के लिए इसे साधना पड़ता है। इसका पूर्ण इस्तेमाल आप इसे कितना साध सकते हैं पर निर्भर करता है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होने के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपका थर्ड आई एक्टिव होना चाहिए। तीसरे नेत्र के एक्टिव होने से जुड़ी हुई कुछ खास बात ये है कि आपके अंदर के सभी अंधकार दूर कर देती है। आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, सुनाई देता है, फील होता है। कुदरत का ये सबसे अनोखा गिफ्ट है जिसे लोग आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअलिटी या फिर मानसिक शक्ति का हिस्सा भी कहते हैं। तीसरे नेत्र का जागरण आपने साथ साथ कुछ अनोखे बदलाव भी लाता है।
जिसमें सबसे खास है आपके सोचने का दायरा बढ़ जाता है। आपका अवचेतन मन विस्तृत होना शुरू हो जाता है, जिससे आपके अंदर देखने क्लियर सीन, जिसे विज़न देखना भी कहते हैं, आपको बातें साफ तौर पर समझ आती है। आपको पता रहता है, आप सब कुछ साफ सुनने लगते हैं। आपकी इमोशनल भावनाएं, जो भी भावनाएं हैं दूसरों को लेकर, वो साफ होने लगती हैं। किसी के स्पर्श द्वारा उसकी मनोदशा का और मन का हाल आप समझ सकते हैं। सिर्फ एहसास से किसी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। परंतु ब्लॉक आज्ञा चक्र होने से व्यक्ति में चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज नहीं होता, उसका नज़रिया नहीं बदलता। लगभग वो एक ही नज़रिए से लाइफ में होने वाली हर घटना को एक ही नज़रिए से देखता है, एक ही नज़रिए को अपनाता है। इसकी वजह से सोच में विस्तार नहीं हो पाता, जो कि होना चाहिए। जब आप जान लेते हैं कि थर्ड आई कैसे एक्टिवेट की जा सकती है सिंपल तरीके से, तो आप इसके कुछ सिम्टम्स भी जान सकते हैं। अगर आपको जानना हो कि कैसे पता चलेगा कि थर्ड आई एक्टिवेट हुई है या नहीं, तो इन सिम्टम्स पर गौर करें। हालांकि पर्सन टू पर्सन ये अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। आगे चक्र की जगह पे वाइब्रेशन होने लगती है। एक वाइब्रेशन आपको दोनों आँखों के बीच जगह के आसपास के एरिया में फील होने लगती है। सर में दर्द और बार बार माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। ये काफ़ी तकलीफ भरा अनुभव भी हो सकता है, क्योंकि यह समय एडजस्टमेंट का होता है। परंतु जैसे जैसे आप ध्यान लगाते हैं, कंटिन्यू ध्यान लगाने से धीरे धीरे यह सर दर्द या माइग्रेन या ये तकलीफ ख़त्म होने लग जाती है। जब हम स्टार्टिंग में ध्यान लगाते हैं, थर्ड आई पर ध्यान लगाते हैं, तो 5-7 दिन आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद ये अपने फ्लो में आ जाती है। फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और आप इजीली थर्ड आई पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान के समय विज़न दिखना। जब भी आप आंखें बंद कर रिलैक्स होते हैं, आपको झलक दिखना शुरू हो जाती है। किसी स्थान पर खुद को फील करने लग जाते हैं, किसी अपने को देखना, ये सब थर्ड आई एक्टिवेशन के टॉप सिम्टम्स में से एक हैं। तो दोस्तों, यदि आपका आज्ञा चक्र जब एक्टिव होने लग जाता है, तो व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं का पुनर्भास होने लगता है। यह पुनर्भास उसे सपने के द्वारा या किसी दूसरे तरीके से भी हो सकता है। व्यक्ति अपने विचारों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग किसी भी प्रॉब्लम्स का हल निकालने में सक्षम होता है। इसी कारण जागृत या एक्टिव आज्ञा चक्र वाला व्यक्ति नए नए आविष्कार और नए नए बिजनेस का सृजन कर सकता है, नए बिजनेस को स्टार्ट करके तरक्की की ओर जा सकता है। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, वह टेलीपैथी भी कर सकता है। टेलीपैथी के द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे शहर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, वो भी बिना मोबाइल या किसी अलग कोई और कनेक्शन के। ऐसा व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति का दिमाग पढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसे धोखा देना चाहे, तो भी वह नहीं दे पाएगा, वह उसे धोखा नहीं दे सकता। व्यक्ति में खुद के शरीर में स्थित किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करने की क्षमता आ जाती है। व्यक्ति में डर का भाव खत्म हो जाता है और व्यक्ति हमेशा खुश और आनंदित रहता है। आज्ञा चक्र के जब एक्टिव ना होने की वजह से कई नुकसान भी हो सकते हैं। आज्ञा चक्र एक्टिव ना होने से बहुत प्रकार के शारीरिक और मानसिक नुकसान होते हैं।
व्यक्ति जो व्यक्ति को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, व्यक्ति अंधा या फिर उसकी आइज वीक हो सकती है, सिर दर्द, कानों के संबंधी प्रॉब्लम्स, नाक से संबंधित प्रॉब्लम से वह गुजर सकता है। रात्रि में डरावने सपने आना, ठीक से नींद ना आना, किसी अनजान चीज का डर लगना, घबराहट होना, टेंशन डिप्रेशन से ग्रस्त होना, माइंड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, वह कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाता। व्यक्ति समय का पाबंद नहीं होता तथा प्रत्येक काम समय निकल जाने के बाद ही करता है, उससे पहले वो सोचता ही रहता है और कंफ्यूज रहता है। जब टाइम निकल जाता है तब उसे सब याद आता है। व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज बना रहता है और उसकी इमोशनल रूप से भी वह बहुत वीक होता है। आगे चक्र के अफर्मेशन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। मैं अपने सपनों पर भरोसा करता हूँ तथा मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। मैं जीवन की नई संभावनाओं को देखने की कोशिश करता हूँ तथा कई नई बातों को स्वीकार करता हूँ। मैं चेंजिंग को एक्सेप्ट करता हूँ। अपने अंदर की आवाज़ इट्स मी, अपनी इंट्यूशन को मैं सुनने की कोशिश करता हूँ, उन्हें नकारता नहीं। मतलब जब भी हम किसी काम को करने जाते हैं तब हमारे अंदर एक आवाज़ आती है, एक आभास होता है कि हमें यह काम करना है या नहीं करना। तो उस समय हमें अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करनी चाहिए, ये उस आवाज़ को सुनने का ट्राई करना चाहिए। मैं अपने भूतकाल से सीखता हूँ और उस सीख से आगे बढ़ता हूँ। थर्ड आई चक्र एक्टिव होने के लक्षण या फिर सिम्टम्स क्या हैं? तो दोस्तों, जब थर्ड आई एक्टिव हो जाता है तो इंसान दोनों आँखों के मध्य भारीपन या तनाव महसूस होता है। आँखों की ज्योति अचानक से बढ़ जाती है, खुद के विचारों में बदलाव और ठहराव आने लग जाता है, फ्यूचर की घटनाओं का पुनर्भास होने लग जाता है, जैसे सपने में किसी घटना का दिखना और फिर उसका सच हो जाना। आगे चक्र को एक्टिव करने का एक तरीका यह है कि आप अपने दिमाग से फालतू के विचारों को बंद कर दें या विचार पैदा होने की गति को कम कर दें, क्योंकि जब आपके दिमाग में विचारों की संख्या कम होगी तभी आपका दिमाग आगे चक्र की शक्ति को फील कर पाएगा। किसी भी चक्र को एक्टिव करने का पावरफुल तरीका मेडिटेशन है। प्रत्येक चक्र को एक्टिव करने के लिए अलग अलग मंत्र का उच्चारण करना होता है। आगे चक्र या थर्ड आई चक्र को एक्टिव करने के लिए ओम मंत्र की चैंटिंग करना होता है, जैसे आपको रोजाना 108 बार या 21 बार ओम मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए। थर्ड आई मेडिटेशन के लिए आपको अपने आगे चक्र पर ध्यान लगाना होता है। ध्यान लगाते समय आपको यह फील करना है कि आपके आगे चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है और उसकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, और आपको ये विजुलाइज करना है कि आपकी थर्ड आई से एक पर्पल कलर की रोशनी चारों ओर फैल रही है और उस रोशनी और उस एनर्जी को आपको विजुलाइज करना है। इस तरीके से आप थर्ड आई चक्र को एक्टिव कर सकते हैं और बैलेंस में ला सकते हैं। कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से आप इसको बैलेंस में ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो हमारा थर्ड आई चक्र पर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको 7 चक्र यानी क्राउन चक्र के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों।